आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 2 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर दी हुई है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो प्रश्न को हल करने से पहले ये समझते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो किस तरह से प्रतिबिंब बनता है वह हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक वस्तु हमने ए बी रखी है, ये हमारा वो क्या है, अभिदृश्यक लेंस है, और ये क्या है, नेत्रिका लेंस। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप हमारा एक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जो क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक, अब ये प्रतिबिंब जो है वो मान लेते हैं हम वी नॉट दूरी पे बन रहा है अभिदृश्यक के लिए। अभिदृश्यक के लिए ओ से हम सूचित करेंगे सारी दूरियां। ठीक है, और नेत्रिका के लिए ई से। अब ये जो हमारा प्रतिबिंब है वो नेत्रिका के लिए क्या करेगा, वस्तु की तरह काम करेगा, और यह मान लेते हैं यू ई दूरी पे। ठीक है, नेत्रिका से अंतिम प्रतिबिंब बोला जा रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है, तो ये जो नेत्रिका से जो प्रतिबिंब बन रहा है ये मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर पे की दूरी पे बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये वी ई हमें ज्ञात है। ठीक है, और नली की लंबाई हमें प्रश्न से दी हुई है कितनी, ये दी हुई है 20 सेंटीमीटर। और नली की लंबाई क्या होती है, वो दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होती है वही क्या होती है, नली की लंबाई, जिसे हम एल से सूचित करते हैं, जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी दी हुई है एफ ओ की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और एफ ई क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी, जो दी हुई है 5 सेंटीमीटर के बराबर। अब आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है, तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है, अगर हम देखें तो क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए ये होता है एम बराबर माइनस वी नॉट बटा यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ई के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह क्या सूचित करता है कि हमारा अंतिम प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें बस, तो ये हो जाता है वी नॉट बटा यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसे देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, वी नॉट यू नॉट हमें ज्ञात होना चाहिए, और एफ ई तो हमें दिया हुआ है, और डी क्या है, यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो वी नॉट और यू नॉट निकालने के लिए, चूंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि हमारा जो हमें यू ई और वी नॉट, तो यहाँ पे देखिए एल एल जो है वो हम लिख सकते हैं वी नॉट जोड़ यू ई के बराबर। ठीक है, और चूंकि हमें यू ई ज्ञात नहीं है, ठीक है, लेकिन वी ई और एफ ई ज्ञात है, तो हम नेत्रिका के लिए वस्तु कहाँ रखा जा रहा है, जो अभिदृश्यक का क्या कर रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है। ठीक है, उसके उसके लिए हम निकाल सकते हैं नेत्रिका लेंस के लिए अगर हम निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र से 1 बटा वी ई माइनस 1 बटा यू ई बराबर 1 बटा एफ ई। ठीक है, 1 बटा वी ई क्या हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी से लेंस के ये बाई तरफ ऋणात्मक और ये धनात्मक लेंगे, तो नेत्रिका से बाई तरफ बन रहा है, तो ये -25 हो जाएगा, -25 माइनस 1 बटा यू ई। देखिए यू ई कहाँ हो रहा है, ये लेंस के बाई तरफ हो रहा है, तो यू ई को भी हम लोग दूरी को ऋणात्मक ले रहे हैं। ठीक है, बराबर एफ ई क्या होगा, ये धनात्मक, जो कितना दिया हुआ है, एफ ई की दूरी दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर के बराबर, तो यहाँ से ये कितना हो गया, 1 बटा यू ई बराबर हो जाएगा 1 बटा 5 जोड़ 1 बटा 25। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 बटा यू ई बराबर, ये हो गया 25, 5 जोड़ 1 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6 बटा 25, तो यू ई बराबर कितना हो जाएगा, 25 बटा 6। ठीक है, तो 25 बटा 6 जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4.16 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, कितना आ गया ये, 4.16 के बराबर। ठीक है, तो यू ई हमें ज्ञात हो गया 4.16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब अगर हमें यू ई ज्ञात हो गया तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वी ओ निकाल सकते हैं। वी ओ कितना हो जाएगा, एल माइनस यू ई, एल का मान कितना है, 20 है, और यू ई का मान हमने कितना निकाला है, 4.16, तो यहाँ से वी नॉट की दूरी कितनी आ जाएगी, 15.84 के बराबर। ठीक है, तो वी नॉट कितना हो गया, ये 15.84 के बराबर। ठीक है, वी नॉट हमें ज्ञात हो गया, अब वी नॉट हमें ज्ञात है, एफ नॉट ज्ञात है, तो अभिदृश्यक के लिए यू नॉट निकाल लेंगे। ठीक है, अभिदृश्यक के लिए अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें भी लेंस सूत्र लगाएंगे, 1 बटा वी नॉट माइनस 1 बटा यू नॉट बराबर 1 बटा एफ नॉट। ठीक है, तो 1 बटा वी नॉट हमें कितना निकल गया है,
15.84। और यहाँ पे चिन्ह इसके लिए क्या लेंगे, ये धनात्मक लेंगे क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के दाहिने तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15.84 माइनस 1/u0। यू नॉट, देखिए यू नॉट के लिए हम चिन्ह क्या लेंगे, ये लेंस के किधर रख रहे हैं हम लोग, बाई तरफ, तो ये ऋणात्मक होगा। तो माइनस यू नॉट बराबर 1/f0। एफ नॉट कितना दिया हुआ है हमें, यह है 2 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 1/u0 बराबर हो गया 1/2 माइनस 1/15.84 के बराबर। ठीक है, 15.84 के बराबर हो गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यू नॉट जो आएगा हमारा, ठीक है, वो आ जाएगा 1.043 के बराबर। ठीक है, जो कितना हो जाएगा यहाँ से 2.32 सेंटीमीटर के बराबर। तो यू नॉट कितना आ गया, 2.32 सेंटीमीटर। तो अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी कितनी है, 2.32 सेंटीमीटर। ये कितना है, 2.32 सेंटीमीटर। अब आवर्धन हम निकाल सकते हैं, वी नॉट यू नॉट हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो अब मान रख देते हैं, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर वी नॉट बटा यू नॉट, ऋणात्मक चिन्ह हम बस मैग्नीट्यूड ले रहे, तो 1+d/FA। ठीक है, तो वी नॉट हमने कितना निकाला है, वी नॉट है हमारा 15.84। ठीक है, बटा यू नॉट है 2.32 इंटू 1+d कितना है, 25 सेंटीमीटर, और FE कितना है हमारा, 5। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, एम बराबर 41.5 गुणे के बराबर आ जाएगा इसका आवर्धन। तो यही हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।